सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं हर्ष और आज मैं बताऊंगा आपको कि आप कुछ इस टाइप की फ़ोटो कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें PicsArt एप्लीकेशन को खोल लेना है और PicsArt एप्लीकेशन खोलने के बाद राइट हैंड साइड में आपको बैकग्राउंड्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ बैकग्राउंड्स है, उस पर क्लिक करके हमें ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। या आप जो भी बैकग्राउंड चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हमें PNG को ऐड कर लेना है, किसी भी मॉडल का जो हमने क्रिएट किया होगा पहले। अगर आपको PNG क्रिएट करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और बस इसके आगे अब हमें फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है बैकग्राउंड पर सही से, जैसा भी आपको सही लगे। और उसके बाद हमें आना है इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे और वहाँ पे स्केच वाले ऑप्शन को चुनना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा था। और पहला जो फ़िल्टर होगा उसके ऊपर लगा लेना है और उसके बाद उस पर एक बार और टैप करना है फ़िल्टर पे, तो कुछ ऐसा खुलेगा। और हॉरिजॉन्टल को हमें सही से फेस पे एडजस्ट कर लेना है, जो एकदम फेस पे सही से बैठे। और इसके आउटलाइंस के कलर हम चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, वाइट सर्कल के बगल में एक और सर्कल बना हुआ है, सो इसे थोड़ा फेड कर देंगे हम, जो थोड़ा नेचुरल लगेगा देखने में। और बस अब उस पर फिर से टैप करेंगे हम और ये ऐसा कुछ खुल जाएगा वो सर्कल पे टैप करने से। और साइड वाले सर्कल को हमें घुमा देना है थोड़ा रेड के तरफ, सो रेड हो जाएगा। और उसके बाद इरेज कर लेंगे हम जो भी अनवांटेड आउटलाइंस आ गई हैं, जैसे फेस पे, आईब्रो पे, ये सब हम इरेज कर लेंगे। फेस वाला थोड़ा सही लग रहा है मुझे, उसे रहने देते हैं। सो अब यहाँ का हमारा काम हो गया ख़त्म। उसके बाद हमें ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे कहीं कहीं जहाँ आउटलाइन छूटी हुई है वहाँ हमें आउटलाइन बना देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला सिलेक्ट करके थोड़ा सा पतला करके ब्रश को बॉडी पे आउटलाइन ब्रश चला देना है एक बार। बस यहाँ पे सही से एक बार सभी जगह पे लाइन चेक कर लेनी है हमें। और उसके बाद आप देख सकते हो, सेकंड रो में जो सेकंड ऑप्शन होगा उसे चूज़ कर लेना है और बस उसे पूरी मॉडल पर चला देना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि मॉडल पे सही से चला जाए और कहीं हम अनवांटेड जगह ना चला दें जहाँ ये बहुत ही अजीब से लगने लगे, तो ये कुछ भी ग्लोइंग इफेक्ट टाइप हो जाएगा हमारा। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चला दिया था, जो वो हमारे मॉडल का बॉडी ही कवर कर रहा था, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे इरेज कर दिया। सो फ्रेंड्स, हमारा फाइनल पिक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।